चैनल। तो आज का वीडियो है ना बहुत ही स्पेशल होने वाला है। नहीं नहीं, वर्कआउट का वीडियो नहीं है, वर्कआउट का वीडियो मैं अच्छे से शूट करके फिर बाद में अपलोड करूंगी। तो आज का वीडियो है एक छोटा सा सेलिब्रेशन ब्लॉग। और हाँ, आप सबको तो पता ही है कि मेरे इंस्टाग्राम पे हो गए हैं 700 के फॉलोअर्स कंप्लीट, तो उसी का हम एक छोटा सा सेलिब्रेशन करने वाले हैं हमारे न्यू वाले घर पे। तो आप फटाफट मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, फिर हम वहाँ पे इजीली कनेक्ट हो सके। तो आप सब लोग पूछ रहे थे कि आईफोन 13 का क्या हुआ, आपके पापा माने या फिर नहीं। तो अभी है ना आईफोन 13 का मामला पेंडिंग है, क्योंकि आईफोन 13 है ना 25 सितंबर को मार्केट में आने वाला है। तो अच्छा मौका देख के फिर से एक बार बनाएंगे पप्पा को। तो आप सब लोग बोलते रहते हो ना कि आप अपने हर वीडियो में चिक्कू बेबी को दिखाया करो, तो चलो फिर मैं चिक्कू बेबी से आप सब लोगों को मिलवाती हूँ। उसको गुस्सा करेंगे हम, गुस्सा करेंगे। बहुत मस्ती करता तू। कुछ नहीं होता चिक्कू। किसने देखो किसने डांटा? मैंने नहीं डांटा। कौन चिल्लाया अभी? कौन डांटा? देखो कोई नहीं डांटा, आंखों में से पानी आ रहा पापा उसके। एक सेकंड के लिए रोता तू, सिर्फ एक सेकंड के लिए। आपके लिए एक सरप्राइज है। वो सरप्राइज के बहाने है ना आईफोन का रोना धोना फिर से नहीं चालू करना। नहीं नहीं, आईफोन का नहीं, एकदम बढ़िया सरप्राइज है। और उसका है ना ये बाद में पता चलेगा रीजन कि वो सरप्राइज किस लिए है। तो पापा को है ना बहुत दिनों से दाल बाटी चूरमा खाने का मन हो रहा था, तो हमने सोचा कि आज हम दाल बाटी बनाते हैं। मतलब मैं बताऊँ एक बात की है ना, पापा को खुश करने के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस उनका है ना मनपसंद खाना खिला दो ना तो पापा बहुत खुश रहते हैं। और मम्मा और मैं ना ऐसे ही उनको खुश करते रहते हैं ताकि है ना वो बाहर का कुछ ना खाए। यूज करता है अपने घर में, मतलब पापा को मस्त मस्त उनका फेवरेट खाना खिलाने का, फिर पापा मान जाते हैं। चलो फिर मैं पापा को दिखाती हूँ। ये लो आज क्या बना है देखा, दाल बट्टी बनाई है आज हमने। लेकिन वापस वो आईफोन वाले बातें नहीं करना, बोला क्या पहले बोल दे रहा हूँ। नहीं नहीं, आईफोन वाली बात नहीं है, कुछ और बात है। अब खाओ तो। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, मेरे को मालूम है तुमको कपड़े वपड़े कुछ लाने जाने के। अरे कैसे पता चला पप्पा? इतने जोर जोर से बातें करेंगे तो माँ के साथ सुना नहीं देगा क्या? तो फिर दे रहे हो ना पैसे? हाँ ठीक है, खा लो आराम से। देखा पप्पा मान गए, पप्पा मान गए। क्या कौन सा पिक्चर है, कौन सी मूवी है? संजय दत्त की मूवी है हथियार। इसका फर्स्ट पार्ट देखा है ना हमने। ये सेकंड। इंस्टाग्राम का छोटा सा सेलिब्रेशन है ना हम शाम को करने वाले हैं हमारे नए वाले घर पे। तो अभी हम सबसे पहले जा रहे हैं प्लांट्स लाने के लिए। तो देखो अभी बारिश का मौसम चल रहा है ना, तो अभी प्लांट्स लाएंगे ना तो उनकी अच्छी खासी ग्रोथ होगी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, हमारा जो न्यू घर है ना हमें टेरेस पे है ना गार्डन बनाना है, तो उसके लिए हम फ्लावर पॉट वगैरह लाने के लिए जा रहे हैं। ये देखो ये रही नर्सरी, चलो अभी हम यहाँ पे देखते हैं। देख रहे हो कितने सारे अलग अलग प्रकार के पेड़ है यहाँ पे मम्मी। हाँ ये मस्त होते हैं ना ये वाले। हाँ, ये क्या घर के बालकनी में भी बहुत अच्छे आ जाएंगे। ये लेने का क्या 10? हाँ ले लेंगे ना, ये मस्त है। ये 10 ले लेंगे, वो बड़ी वाली कुंडी ले लेंगे। ये 10 के 10 टेरेस पे लगाने हैं। हाँ फिर बालकनी में दो तीन रख लेने के और बाकी टेरेस पे लगा डालने के, टेरेस गार्डन बनाने का है ना। हाँ फिर हाँ, तो पापा ने ना वो वाले पौधे डिसाइड किए हैं लेने के लिए 10 पौधे, और ये जो कुंडी है ना ये इतनी बड़ी आई। सो हो गया हमारे यहाँ का, पापा ने वो प्लांट्स बुक कर दिए। पापा कब तक आएंगे वो? आज शाम तक आ जाएंगे वो। वाह, आज शाम तक वो आ भी जाएंगे तो फिर देखते हैं। पापा कितने प्लांट्स लिए हो, कितने में हुआ वो? वो 10 प्लांट लिए बड़े बड़े। हाँ हाँ, वो जो हमने देखे थे। हाँ, और बड़े वाले गमले लिए उसके साथ में, तो वो पर 500 रुपीज पड़ा, तो पूरा समझो 5000 रुपए का हो गया वो।
पूरा 5,000 का? हाँ, 10 विद ट्रांसपोर्ट, अब वो घर पे पहुँचा के भी देंगे। हाँ हाँ वो तो है। हाँ तो आप भी मुझे बता सकते हो कि मुझे अपने टेरेस पे और कौन से प्लांट्स लगाने चाहिए, तो कमेंट करके बताओ। और अगर आपके यहाँ भी कोई छोटा सा गार्डन होगा तो उसका फोटो क्लिक करके आप मुझे इंस्टाग्राम स्टोरी पे टैग कर सकते हो। यस बच्चे, प्लांट्स आ गए। खुशी का दिन ये है कि आज आना मेरे इंस्टाग्राम पे 700 के फॉलोअर्स हो गए। सो थैंक यू सो मच आप सबको, आपने मुझे इतना सारा सपोर्ट किया। आज इतना स्पेशल दिन है तो सेलिब्रेशन तो बनता ही है ना। देखो पापा, आज मेरे इंस्टाग्राम पे 700 के फॉलोअर्स हो गए। बाहर बहुत बारिश आ रही है, हमने सोचा था कि हम टेरेस पे सेलिब्रेशन करेंगे, लेकिन बारिश भी आ गई ना अचानक से, इसीलिए हम घर में ही करने वाले हैं। देखो यहाँ पे 700 की का भी बलून आया है। तो अभी आप सोच रहे होगे कि मेरे ही 700 के हुए हैं और मैं खुद ही सेलिब्रेट कर रही हूँ। देखो मेरे पास ऐसे कोई इतने सारे फ्रेंड्स नहीं है जो मेरे साथ सेलिब्रेशन करे और मेरे को सरप्राइज़ वगैरह दे। हम जो भी करते हैं ना, हम पूरी फैमिली करते हैं, तो इन्होंने ही डिसाइड किया था कि सेलिब्रेशन करेंगे हम 700 के का। और हाँ, और एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी, असली सेलिब्रेशन तो फैमिली के साथ ही होता है ना। और देखो मेरे सेलिब्रेशन के लिए आप कितने लोग मेहनत कर रहे हैं, मेरी मम्मा, सोनल दी, मामा, मामी, और ये सब लोग है ना मेरी हर खुशी में शामिल होते हैं। किया, तैयारी की, अभी मैं जाऊंगी, रेडी होके आऊंगी और खुद ही को सरप्राइज दूंगी। कितना मस्त ना, मतलब आपकी लाइफ में अगर कोई फ्रेंड वगैरह ना हो ना, तो ऐसे ही सेलिब्रेशन किया जाता है अपनी फैमिली के साथ। मतलब वैसे किसी का वेट नहीं करना चाहिए, अपनी लाइफ है यार, एक ही लाइफ दी है ना भगवान ने, खुल के जीना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए और अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेशन करना चाहिए, इसका उसका वेट नहीं करना चाहिए। सच बोल रही हूँ ना, एग्री करते हो आप मेरी बात को? तो अभी मैं जाके रेडी होके आती हूँ और खुद ही को सरप्राइज देती हूँ। रेडी होके और देखो मैंने ना अपनी हेयर कर्ल्स भी कराए, कैसे लग रहे हैं, कर्ली कर्ली है, और मैंने एकदम बढ़िया वाला वन पीस भी पहन लिया है। तो अभी है ना मैं मेरा फ़ोन है ना सोनल दी को दे देती हूँ और मैं ना ये जो दरवाज़ा ना बंद कर लेती हूँ, सरप्राइज है ना मेरे लिए, सरप्राइज वाली फीलिंग भी आनी चाहिए। सोनल दी, ये ले फोन। क्या बढ़िया था, चलो कट करो। चमकी गिरे वाली, इसके ऊपर ठीक से खा, देख के खा। देखो मेरा तो एक ही मानना है, आपको कोई स्पेशल
रात के कहाँ पे जाते हो, बारिश में भीग जाएंगे। हाँ बारिश चल रही है ना बाहर। तो मम्मी को बोला कि बिंदास कहाँ पे क्या, तो हम फैन है उसके और वो अभी के उसके घर पे ही है, वो चले जाएंगे तो हम कभी नहीं मिल सकेंगे उससे। अरे ऐसी बात नहीं है, आऊंगी ना मैं यहाँ रहने के लिए, तब आना मिलने के लिए, ठीक है। मुझे मेरे चाहने वाले मेरे सब्सक्राइबर मिलने के लिए आते हैं ना, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। सो चलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। यही था आज का मेरा छोटा सा सेलिब्रेशन ब्लॉग। कैसा लगा आपको मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। देखो अभी नवरात्रि आ रही है तो शॉपिंग तो बनती ही है ना। पापा ने वैसे मुझे पैसे तो दे दिए शॉपिंग के लिए, क्या बोलती है गर्ल्स, एक शॉपिंग ब्लॉग हो जाए। बाय बाय, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, आप बताना शॉपिंग ब्लॉग करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है ना तो ढेर सारे लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फटाफट रेड वाला बटन क्लिक करो। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।